सुप्रभात बच्चों, आज हमारा कक्षा चार में चैप्टर सात का वचन पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ये वचन पेज नंबर 41, 42, 43 देखिए। हम पहले देखेंगे वचन किसे कहते हैं। पिछली क्लास कक्षा में हमें पढ़ाए थे वचन के बारे में, फिर से द्वारा तुमको याद दिलाता हूं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से ज्यादा को हमें पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। और ये वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन और एक बहुवचन। तो एक वचन हम किसे कहेंगे, जिस शब्द में उसके एक शब्द का पता चलता है उसे हम एक वचन कहेंगे। और जिस शब्द से उसके एक से ज्यादा शब्द का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। तो ये चित्र में देखो, तुम्हारा किताब में मेरे पास एक गुब्बारा था और वह फूट गया। कोई बात नहीं, मेरे पास पांच गुब्बारे हैं, एक तुम ले लो। लो तुम भी एक टॉफी खाओ, मेरे पास दो टॉफियां और है। तो ये जो चित्र दिया है, इसमें जो लाल रंग का अक्षर लिखा है, इसमें क्या पता चला है, एक गुब्बारा मतलब ये क्या होगा, एक वचन। तो जब बोला मेरे पास पांच गुब्बारे हैं तो क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा पांच, ये हो जाता है बहुवचन। एक टॉफी, एक सिर्फ एक है तो हमें पता है एक वचन, और दो टॉफियां मतलब ये होगा बहुवचन, एक से ज्यादा। तो ये वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन और एक बहुवचन। तो आगे हम देखेंगे, इसके सिवा हमारे कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होता है। देखो, बादल, आदमी, घर, पानी, पेड़, मंदिर, ये सब क्या होता है, ये संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान में आता है। और इसके सिवा और क्या है, आदर करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन होता है। जैसे मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, कुछ संबंध बताने वाला शब्द दोनों में समान आता है। देखो, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा और पिता। और एक बात है, अवर्णनीय संज्ञा जिसका हम गिन नहीं पाते, ये बहुवचन में नहीं आता है। ये पानी, चीनी, दूध, ये क्या, ये अवर्णनीय संज्ञा, ये बहुवचन में नहीं आता है। उसके सिवा हाँ, हमारे किताब में है और कितने हैं जो हम देखेंगे, एक वचन और बहुवचन। झंडा, झंडे, आंख, आंखें, वहन, वहने, कक्षा, कक्षाएं, गुड़िया, गुड़ियां, कहानी, कहानियां, माला, मालाएं, वधु, वधुएं, ये सब एक वचन और बहुवचन में आता है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिला कि वचन संख्या का बोध कराता है। ठीक है, संख्या का बोध कराता है, जो शब्द एक की संख्या का बोध कराते हैं वे एकवचन होते हैं, और जो शब्द एक से अधिक की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्रिया के रूप में वचन की पहचान होती है, पता दिया था ना। अपने से बड़े एवं आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन होता है, जैसे हम यहाँ आए मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द हमेशा एक वचन और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, जो तुम्हें ये बताया गया है। ठीक है, ये सब घर में दोबारा याद रखना। थैंक यू।